तो अब हम चर्चा करेंगे शेल के विद्युत वाहक बल के बारे में, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, EMF, शॉर्ट फॉर्म में इसका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल के बारे में इसके पहले हमने चर्चा किए थे, ज़्यादा इसके बारे में हम बताए नहीं थे, है ना। इसके बारे में मैंने केवल इतना बताया था आपको कि सेल की एक ऊर्जा होती है जिसके कारण क्या होती है, धारा बहती है, ठीक है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, राशि कैसी है और इसका मतलब क्या है, आखिर इसका महत्व कितना है। ओके, तो सेल का विद्युत वाहक बल विद डायग्राम मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इस तरह से मैं यहां पर एक सेल बना देता हूं और ये एक बाह्य प्रतिरोध मैंने लगा दिया, प्रतिरोध R, ये प्लस माइनस, इस सेल के दो पॉइंट हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे सेल के कारण यहाँ पर धारा बहेगी, धारा I, यहाँ पर प्रतिरोध के सिरों के बाद विभवांतर हो जाएगा आपका V जी। ये एक बिल्कुल साधारण सा विद्युत परिपथ है। परिभाषा हमारे यहां पर यह बोलती है कि इस सेल के अंदर एकांक आवेश को क्या करना है, हमको प्रवाहित करना है। सेल के अंदर एकांक आवेश को क्या करना है, हमको प्रवाहित करना है। तो एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में, अब संपूर्ण विद्युत परिपथ का मतलब क्या है, संपूर्ण विद्युत परिपथ का मतलब यह है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। अब सेल के अंदर का मतलब कौन सी वाली भाग, कौन सा वाला भाग है, ये वाला भाग सेल के अंदर वाला है, सेल के अंदर, है ना। और सेल के बाहर वाला ये है, समझ गए। बाह्य परिपथ कौन सा हुआ, इस पॉइंट से ये वाला पूरा यहां तक, ये सेल के बाहर वाला, मतलब ये बाह्य परिपथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये बाह्य परिपथ। और ये वाला भाग दोनों सेलों के, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ या सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण विद्युत परिपथ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, संपूर्ण विद्युत परिपथ में किसको प्रवाहित करना है, किसको प्रवाहित करना है, एकांक आवेश को प्रवाहित करना है। तो परिभाषा क्या बनेगी, अब देखिए, एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में अर्थात सेल के अंदर और बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या होगा, किसको प्रवाहित करना है, एकांक आवेश को, कहां, संपूर्ण विद्युत परिपथ में, कोष्ठक में लिख देना, सेल के अंदर प्लस बाह्य परिपथ, यानी कि संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इज इट क्लियर, बोलिए। आवाज नहीं आ रही मेरी, माइक बंद करो, माइक बंद करो। तो यह हो गई परिभाषा, बन जाएगा सबसे अब, और सेल के अंदर की बात कर रहे हैं और बाहर की बात भी कर रहे हैं हम, है ना। तो सेल के अंदर वाला भाग कौन सा हुआ, ये वाला सेल के अंदर, ये पॉइंट के बीच की मान के चलो इतना भाग, और सेल के बाहर कौन सा हुआ, ये वाला भाग हो गया, ठीक है। तो सेल के अंदर सेल के बाहर दोनों में, मतलब संपूर्ण विद्युत परिपथ में किसको प्रवाहित करना है, एकांक आवेश को प्रवाहित करना है, और एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो भी कार्य किया जाएगा या जो भी ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा का व्यय होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में सेल का विद्युत वाहक बल, बन जाएगा सबसे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, किसको किसको प्रवाहित करना है, एकांक आवेश को प्रवाहित करना है, बिल्कुल
एकांक आवेश को प्रवाहित करना है। कहां प्रवाहित करना है, कहां प्रवाहित करना है, संपूर्ण विद्युत परिपथ। संपूर्ण विद्युत परिपथ का मतलब है सेल के अंदर प्लस बाह्य, है ना, बाह्य परिपथ में। एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य या वह ऊर्जा सेल का क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर, ओके, यस और नो? चलो ठीक, तो ये हो गया आपकी परिभाषा। अब देखते हैं एक और परिभाषा होती है इसकी। ये तो हुआ जब सेल बंद परिपथ में होता है। बंद परिपथ का मतलब यह है कि अभी सब पूरा का पूरा कनेक्शन क्या है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जब सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब जब आप सेल से धारा नहीं लेते हैं। बंद परिपथ का मतलब होता है जब आप सेल से धारा ले रहे हैं, जैसे ये सेल अभी बंद परिपथ में है। क्यों? क्योंकि ये पूरा परिपथ क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, सेल के कारण धारा बह रही है, है ना, इसलिए इसको हम बंद परिपथ कहेंगे। लेकिन जब सेल क्या होगा, खुले परिपथ में होगा, सेल खुले परिपथ में होगा, अर्थात जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, उस स्थिति को खुला परिपथ कहा जाता है। ठीक है, यहां से कोई भी एक कट कर दिया मैंने, तो ये खुला परिपथ हो जाएगा। अब सेल के कारण धारा बहने वाली नहीं है। धारा कब बहती, मैंने पहले ही बता चुका हूं, जब तक परिपथ बंद नहीं होगा, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहां सेल बंद परिपथ में है क्योंकि इससे आप धारा प्रवाहित कर रहे हो। ठीक है, दूसरी परिभाषा है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती है, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों प्लस इलेक्ट्रोड और माइनस इलेक्ट्रोड के बीच का जो अधिकतम विभवांतर होता है V, उसे क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ रहा है, यानी अब सेल की ऊर्जा कहीं बाहर नहीं जा रही है, अभी कहां है, पूरी की पूरी उसके अंदर ही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अब पूरी ऊर्जा सेल के अंदर है, अभी बाहर उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है, है ना। तो सीधी सी बात, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, क्या होगा, विभवांतर होगा ना, क्योंकि एक उच्च विभव और एक क्या है, निम्न विभव है, तो क्या होगा, उसके बीच में विभवांतर होगा। और जो अधिकतम विभवांतर है, ऐसा नहीं कि आपने सेल को डिस्चार्ज कर दिया और फिर आप नाप रहे हो अधिकतम कितना उसमें अधिकतम ऊर्जा है, कितना उसमें अधिकतम पावर है। ठीक है, डिस्चार्ज वाले सेल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल फुली चार्ज। जैसे शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट होता है, मतलब उसका विद्युत वाहक बल आप 1.4 ही बोलोगे, 1.5 बोलोगे, 1.3 नहीं बोल सकते, या 1 वोल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि मतलब डिस्चार्ज हो चुका है। उसकी अधिकतम जो वोल्टेज है, देने की क्षमता है, वो कितनी है, 1.5 वोल्ट है। ठीक है, तो जो अधिकतम विभवांतर होगा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, जब सेल खुले परिपथ में होता है, दूसरी परिभाषा बता रहा हूं, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य के अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है? यस, यानी कि एक तरीके से विद्युत वाहक बल क्या है, एक प्रकार का क्या है, बोलिए, विभवांतर ही है। हाँ, जो विद्युत वाहक बल है वो एक प्रकार का विभवांतर ही है। तो मैंने दो परिभाषा दे दिया, एक परिभाषा एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य या वह ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। परिभाषा नंबर टू, जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात जब सेल से धारा नहीं ली जाती है, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। राइट, अब यहां थोड़ा सा इसका मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। माना कि क्यू आवेश को
संपूर्ण विद्युत परिपथ में, प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो, तब सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला किसमें होता है बताइए, यही फार्मूला किसमें उपयोग किया आपने, बोलो, विभवांतर में, है ना, एकांक धनावेश को एक अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में या विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो वही तो है, क्यू बराबर एक कर दो क्योंकि हम एकांक ले रहे हैं, तो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आ गई बात, है ना, होगा कि नहीं। और इस तरह से E इज इक्वल टू W अपॉन Q आ गया, तो इसका मात्रक निकाल लो, W अपॉन Q है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम क्या होगा वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट, VOLT वोल्ट। कर दे कल देखे देखे आपने अपने घरों में बल्ब को निकाल के देखे क्या, अरे बल्ब में क्या क्या लिखा था चारुणी, बोलो, क्या क्या लिखा था, नहीं देखे, गुड, है ना। तो जूल अपॉन कूलाम इज इक्वल टू वोल्ट, तो वन वोल्ट विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, वन वोल्ट विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, वन जूल अपॉन वन कूलाम। तो परिभाषा दे दो यहां पे, क्या क्या होगी परिभाषा, एक कूलाम आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक वोल्ट होता है, है ना। पंजाबी परिभाषा आप लोग लिखेंगे, एक कूलाम आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल एक वोल्ट कहलाता है या एक वोल्ट होता है। इज इट क्लियर, राइट, यस आर नो, विमी सूत्र क्या होगा, कार्य का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू कार्य का, और आवेश का क्या होता है बताओ, आवेश का, अरे आईजी आवेश का एटी, हाँ एटी होता है ना, एटी, बस बना दो थोड़ा सा, एम एल पर टू टी ऊपर जाएगा, तो टी पर माइनस टू पहले से एक टी और ऊपर गया, यानी कि माइनस वन हो जाएगा वो, तो माइनस टू माइनस वन कितना होगा, टी पर माइनस थ्री, और ए भी ऊपर जाएगा, ए पर माइनस वन, ये हो गया विमी सूत्र। और राशि कैसी होगी, किया गया कार्य है, राशि कैसी होगी, विभवांतर एक अदिश राशि है और विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या है, विभवांतर है, इसलिए राशि कैसी होगी, अदिश। क्लियर, यह था आपका सेल का विद्युत वाहक बल, उसकी दो परिभाषाएं, उसका मात्रक, उसका विमी सूत्र और राशि कैसी है, और जो कुछ बातें मुझे बताने की थी मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
अब हम पढ़ रहे हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में आप कर रहे थे, प्रवाहित कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम, एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित न कर केवल बाह्य विद्युत परिपथ में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो वो जो ऊर्जा होगी या वो जो कार्य हमको करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे हम, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। एकांक आवेश को बाह्य विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य या वह ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अर्थात अब यहां से इस पॉइंट से यहां तक, इस पॉइंट से यहां तक क्या करना है आपको, एकांक आवेश को क्या करना है, प्रवाहित करना है, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर, बाहर ये वाला बाह्य परिपथ में, ठीक। तो एकांक आवेश वहां पर था संपूर्ण परिपथ, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, एकांक आवेश को किस परिपथ में, बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य या वह ऊर्जा क्या कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्लियर हो गई बात, जैसा आप, ठीक है। विद्युत वाहक बल में पूरा का पूरा विद्युत परिपथ, अब सेल के टर्मिनल विभवांतर में, टर्मिनल का मतलब होता है सिरे, है ना। तो सेल का पहला सिरा ये है, सेल का दूसरा सिरा ये है, तो ये वाले सिरे से ये बाहर 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 क्या करना है आपको, एकांक आवेश को प्रवाहित करना है, और बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। विभवांतर ये इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, राशि अदिश होगी, विमीय सूत्र वही होगा, ML2T-3A-1, राइट, इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका टर्मिनल विभवांतर। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर, विद्युत वाहक बल विभवांतर। विद्युत वाहक बल की परिभाषा मैंने जो दूसरी परिभाषा दी थी क्या दी थी, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदु, कोई भी बिंदु, जैसे ये बिंदु ले लिया था मैंने, एक दो, यहाँ का कोई और बिंदु ले सकते हैं आप, ये वाला बिंदु, इनके बीच में भी क्या होगा, विभवांतर होगा। तो परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है इसको क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। दूसरा अंतर, इस शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं, इस शब्द का उपयोग, विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं सेल में, बैटरी में, सेल है, बैटरी है, डायनेमो, है ना। इस शब्द का उपयोग सेल, बैटरी, डायनेमो में किया जाता है, समझ गए। इस शब्द का उपयोग किसके लिए करेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल, डायनेमो का विद्युत वाहक बल, ऐसा उपयोग करते हैं। और इस शब्द का उपयोग कहां करते हैं, विभवांतर का,
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य क्या करते हैं, बिंदुओं के लिए इस शब्द का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो दूसरा अंतर क्लियर है सबको, इस शब्द का मतलब विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग कहां करते हैं, सेल के लिए, बैटरी के लिए, डायनेमो के लिए। और विभवांतर शब्द का उपयोग कर क्या कहां करते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए क्या करते हैं, इस शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे यह बिंदु है ए और बी, तो इनके सिरों के मध्य विभवांतर बी है, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच। तीसरा, परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, परिपथ भंग होने पर विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। इंपॉर्टेंट अंतर है, इसका मतलब क्या है, मुझे बताइए, परिपथ मैंने भंग कर दिया, यहां से काट दिया परिपथ को, बताइए मैंने यहां से इसको परिपथ को भंग कर दिया, तो मुझे बताइए सेल का विद्युत वाहक बल होगा कि नहीं होगा, बोलो। सेल के विद्युत वाहक बल को ऐसा ई से लिखते हैं, परिपथ मैंने भंग कर दिया, परिपथ मैंने भंग कर दिया का मतलब परिपथ को मैंने ओपन कर दिया, तो परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या मैंने यहां से तारों को कनेक्शन हटा दिया तो क्या सेल का विद्युत वाहक बल है या नहीं है, बताइए है भाई, उसकी ऊर्जा कहां जाएगी, वो तो सेल के अंदर ही है ना। जब आपने बंद परिपथ रखा था तब जो है, बंद परिपथ रखा था तब क्या है, धारा वो प्रवाहित कर रहा था, ठीक है, लेकिन अभी की स्थिति में क्या है, वो अभी की स्थिति में वो बंद परिपथ कर, परिपथ को हमने क्या कर दिया, भंग कर दिया, परिपथ को जब हमने भंग कर दिया तो उस स्थिति में क्या है, तो भी उस सेल की ऊर्जा उस सेल के अंदर ही है, तो परिपथ भंग करने पर उसका अस्तित्व रहता है, विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, लेकिन इसका, इसका रहेगा क्या, हाँ नहीं रहता, परिपथ भंग करने पर इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। भाई जैसे ही आपने परिपथ को भंग कर दिया तो अब इस सेल के द्वारा इस परिपथ में धारा बह रही है क्या, बोलो बह रही है क्या, नहीं। और जब धारा नहीं बहेगी तो सीधी सी बात है, यह इस बिंदु पर भी कोई विभव नहीं होगा और इस बिंदु पर भी कोई विभव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा इस परिपथ में धारा बह ही नहीं रही है, धारा बहती तो किसी भी दो बिंदु के क्या होता है, विभवांतर होता, ठीक है ना। लेकिन जब विद्युत वाहक बल ने धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया, परिपथ भंग कर दिए, तो कोई भी बिंदु पर आपका क्या करिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बटन जब आप बंद करते हैं तो तार पर आप करेंगे टेस्टर रखकर देखेंगे तो क्या टेस्टर जलता दिखाई देता है क्या, हाँ बताइए, बटन बंद करके वो जो आपके प्लग होते हैं है ना, सॉकेट बने होते हैं उसमें आप टेस्टर डाल के देखिए, जलता है क्या, वो नहीं जलता, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर परिपथ को आप भंग कर देते हैं तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, सेल की ऊर्जा सेल के अंदर ही है, लेकिन अगर परिपथ भंग कर देंगे तो विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहता। माइक बंद करो, शिखा भी सेन, शिखा भी सेन, हाँ ठीक। परिपथ को अगर भंग करते हैं तो सेल का जो विद्युत सॉरी विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहता है ना, क्योंकि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के जो विभवांतर शून्य हो जाएगा। चौथी बात, कौन बड़ा कौन छोटा, बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, विभवांतर बड़ा कि विद्युत वाहक बल बड़ा, बताइए, विद्युत वाहक बल बड़ा कि विभवांतर बड़ा, बोलो भाई, इसके कारण ही तो इन दोनों बिंदुओं की जिम्मे क्या आया है, विभवांतर है ना, समझ गए। अगर ये ना हो तो धारा नहीं बहेगी, और धारा नहीं बहेगी तो इन दो बिंदुओं के बीच क्या होगा, विभवांतर नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। तो कौन बड़ा होना चाहिए, सदैव कौन, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल सदैव जो होता है, विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है। और जब यहां आपको समझ में आ गया तो यहां पर भी बड़ी कठिन बात नहीं होनी चाहिए कि विभवांतर का मान क्या होता है, फिर
विभवांतर का मान सदैव क्या होता है? विद्युत वाहक बल से छोटा होता है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल के कारण ही सब कुछ हो रहा है। अगर सेल नहीं लगाएंगे तो हमारा परिपथ कोई मतलब का नहीं है। इसलिए विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव बड़ा होता है और विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है? सदैव छोटा होता है। यानी कि विभवांतर छोटा है और विद्युत वाहक बल बड़ा होता है, ठीक है। और पांचवी और अंतिम बात कि विद्युत वाहक बल के कारण ही परिपथ में क्या होती है? धारा बहती है। यानी इसके कारण ही परिपथ में क्या बहती है बताइए? धारा बहती है, है ना। अगर हम इस सेल को ना लगाएं तो परिपथ में धारा बहेगी क्या? नहीं बहेगी, ठीक है। समझ में आई बात? यस आर नो? और यहां जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो पॉइंट आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है, क्योंकि मैं यहां लिखने वाला हूं धारा बहने के कारण ही विभवांतर क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। धारा बहेगी तो विभवांतर क्या होगा? इन दो बिंदुओं के भी क्या होगा? उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अभी आपकी जो कन्फ्यूजन की स्थिति में अभी दूर करता हूं, ठीक। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, तो ये आपके पास में पांच अंतर थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज मार देता हूं इसको। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इस शब्द का उपयोग सेल, बैटरी, डायनेमो आदि के लिए किया जाता है। विभवांतर शब्द का उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए किया जाता है। परिपथ भंग होने पर विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, इसका अस्तित्व नहीं रहता है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से बड़ा होता है और विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। इसके कारण ही परिपथ में क्या होती है? धारा बहती है और धारा बहने पर क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। क्लियर?